तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी का एक हिडन फीचर जो कि बहुत काम का फीचर होता है। दोस्तों होता क्या है, कभी हम इमरजेंसी में ऐसे होते हैं कि हमें अपने मोबाइल को क्विकली साउंड, जितने भी साउंड होते हैं पूरे मोबाइल में, लाइक आपका रिंगिंग साउंड, मीडिया साउंड एंड जितने भी साउंड, सबको वो करना है, म्यूट करना है। तो हम उसको क्विकली कैसे करेंगे और उसको अगर मान लीजिए म्यूट से अनम्यूट करना है उसको कैसे करेंगे, तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। वो भी मैं बताऊंगा सिंपली आपको की से करना है, कोई भी आपको मोबाइल को टच नहीं करना है, सिंपली आपको की से करेंगे और विद इन सेकेंड आप म्यूट और म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजीली। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। दोस्तों चलते हैं आगे, मेरा नाम सनी अरोड़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको आपके बताने वाला हूं। तो यहां पर आप देखेंगे जितने भी मेरे मोबाइल के वॉल्यूम से यहां पर सब ऑन है, और अगर मैं यहां पर अपनी गैलरी में जाता हूं, गैलरी में जाने के बाद कोई वीडियो को प्ले करता हूं, तो आप देखेंगे वहां पर वीडियो का मेरा साउंड आ रहा होगा। अब मैं यहां से इसको अनम्यूट करता हूं, तो आप देख रहे होंगे इसकी आवाज आ रही है। अब मुझे इसको म्यूट करना और फोन को भी म्यूट करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, पावर की प्लस वॉल्यूम अप की को एक बार यूं दबाएंगे तो अब आप यहां पर आप देखेंगे जो वॉल्यूम है पूरा म्यूट हो चुका है। आपको यहां पर देखेंगे भी तो नीचे भी लिखा होगा म्यूट ऑल साउंड, आपको दिख रहा होगा म्यूट ऑल साउंड टर्न ऑन। अब अगर मैं अब इसको वीडियो को प्ले भी करूंगा और यहां पर आप देख रहे होंगे इसका वॉल्यूम ऑन भी है तो भी साउंड नहीं आने वाला है। तो ये होता है म्यूट ऑल साउंड वाला जो ऑप्शन है, इसको इनेबल कैसे करें और डिसेबल कैसे करें। इनेबल करने के लिए तो आपने ऐसे करा और डिसेबल भी करना है तो आपको इसी पे वापस क्लिक करना है और ये डिसेबल हो गया। आप देख रहे होंगे अब साउंड वापस चालू हो गया। तो ये फीचर को कैसे ऑन करना है उसके लिए आपको जाना क्या होगा, यहां जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है एसिबिलिटी वाले ऑप्शन पे, इसके बाद जाना है एडवांस सेटिंग पे। एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है यहां पर स्लाइड वॉल्यूम अप की वाले पे, आप इस पे क्लिक करना है और आपको यहां पर म्यूट ऑल साउंड पे क्लिक कर लेना है। आपको ये म्यूट ऑल साउंड पे क्लिक कर लेना है और बाहर आ जाना है। बस आपको सिंपली करना क्या है, आप अपने होम स्क्रीन पे भी हो कहीं भी हो, आपको बस सिंपल इस पे क्लिक कर देंगे तो वो म्यूट हो जाएगा। तो जैसे ही आप वहां पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि म्यूट म्यूट ऑल साउंड ऑन। आपको सिंपली करना क्या है, आपको कुछ नहीं ज्यादा नॉर्मल, बस इन दोनों को साथ में क्लिक करना है और वो अनम्यूट और वो वहां से हट भी जाएगा और वो हो भी जाएगा। आप देख रहे हैं हो गया है, ये हट चुका है। अब वापस मुझे करना है म्यूट ऑल, मुझे सिंपली क्लिक करना है और अब दोबारा आप वॉल्यूम अप करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये ऑन हो चुका है। तो उसके बाद आप बढ़ा भी नहीं सकते, उसको ऑफ ही करना पड़ेगा। तो ऑफ करने के लिए वापस आपको यहां पर यूं दबाना है और वो ऑफ हो जाएगा। आप ऑफ हो चुका है, आपको सिंपल यहां से वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यही हिडन फीचर था जो कि मुझे लगा बहुत काम का फीचर है। कभी हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं बट हमें म्यूट ऑल करना है तो हमें सारे म्यूट ऑन करना है, ये बोल सकते हैं जितने भी साउंड है सबको म्यूट ऑल करना है, तो आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है, उसके बाद जितने भी साउंड है सब ऑटोमेटिक स्विच म्यूट हो जाएंगे और बाद में अनम्यूट करने के लिए भी आपको सिंपली वही प्रोसेस करनी होगी और वहां से भी अनम्यूट कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी है तो मैं डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या हो सके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं जल्द से जल्द 10K तक पहुंच सकूं और उसके बाद और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूं, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।